क्या आपको पता था कि पिछले साल काबुल में कुछ चाइनीज सिटीजन्स अरेस्ट किए गए थे क्योंकि वो एक टेररिस्ट सेल चला रहे थे काबुल में कुछ सालों से। ये टेररिस्ट सेल अलकायदा और युगर मुस्लिम्स पर नजर रखने और उन पे अटैक्स लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी। चाइना ने फिर एक और बार साबित कर दिया है कि वो अपने स्वार्थी कारणों के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। चाइना के अलावा अफगानिस्तान पर पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, ईरान और अमेरिका की भी नजर है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो भी होगा वो इन सब देशों पे संकट का साया ला सकता है। वेलकम टू अफगानिस्तान, विच कुड बी द बिगनिंग ऑफ अ वर्ल्ड वॉर। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अफगानिस्तान बन सकता है कुछ देशों के लिए एक फांसी का फंदा और कैसे हमने जो पिछले साल रिपोर्ट किया था वो अब सच हो चुका है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करके अपना सपोर्ट दिखाएं। तालिबान और अफगान की आर्मी के बीच बहुत भीषण युद्ध चल रहा है यूएस आर्मी के अफगानिस्तान से निकलने के बाद। हमने इस पर बात की ग्रुप कैप्टन एमजे सर से और उनसे पूछा कि अफगान की 1990 के दशक और अब के तालिबान में क्या फर्क है और क्या तालिबान का उपयोग पाकिस्तान आर्मी कश्मीर में करेगी। 1980 के दशक में जब रशिया अफगानिस्तान में आया था तब अमेरिका पाकिस्तानियों के नॉर्थ पाकिस्तान और उस एरिया में जो लोग थे उनको वेपन दिया, उनको तालीम दी और उनको जिहादी बना करके रशिया के खिलाफ उन्होंने अफगानिस्तान में लॉन्च किया। यहाँ से शुरू होता है इंडिया का प्रॉब्लम। जब रशिया पीछे हट के निकलने लग गया, जब पाकिस्तानियों के साथ मिलके जनरल जियाउल हक के साथ मिलकर के अमेरिका का ये जो मुहिम चल पड़ा और उनको कामयाबी मिली और रशिया पीछे हट गया, उस समय का यूएसएसआर पीछे जब हट गया, तब आपको याद होगा हमारे यहाँ जहाँ हमेशा अमन और शांति थी हमारे श्रीनगर वैली में, वहाँ अशांति शुरू हुई क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको अंग्रेजी में मर्सिनरी कहते हैं, इनको लड़ाई करने के अलावा और बंदूक चलाने के अलावा और कुछ आता नहीं है। ये इनका एक तरह से खानदानी पेशा है और इनका काम सब का जब ख़त्म हुआ और इनके पास सारे वेपन अवेलेबल थे और इनके पास शोल्डर लॉन्च मिसाइल्स अवेलेबल हो गए, रॉकेट लॉन्चर अवेलेबल हो गए, लेकिन काम है नहीं, घर पे बैठे हुए थे। इनको फिर जियाउल हक का जो उस समय का जो 1000 कट्स वाली जो पॉलिसी है उसके तहत इनको श्रीनगर वैली में इनको उतारा गया। ये सेम चीज लेकिन कम इसमें अभी फिर से रिपीट होने वाला है। अमेरिका फिर चला गया अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान की मर्सिनरी के पास काम नहीं है और वो सारे ये पाकिस्तानी इनको इस्तेमाल करेंगे हमारे खिलाफ। और हम उस समय और अब में क्या फायदा है, फ़र्क है कि हमने बॉर्डर में लाइटें लगा दी, बॉर्डर में फेंसिंग कर दिया और एक ही जरिया है अंदर आने का, टनलिंग करने का, उसमें भी हमने रोक लगाया हुआ है क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जब ये लोग टनलिंग करना शुरू कर देते हैं हमको पता लग जाता है। तो ये सब मद्देनज़र ये लोग को भारत के अंदर आके कुछ करना थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर रहेगा। 20 साल में अफगानिस्तान की तस्वीर कैसे बदली, ये बहुत अहम सवाल है, इसका एक ही जवाब है। 20 साल पहले इनके पास AK-47 नहीं था, अभी AK-47 आ गया है। 20 साल पहले इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल नहीं थे, अभी इनके पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स आ गए हैं। 20 साल पहले इनके पास लंबी दूरी में मारने वाली रॉकेट्स नहीं थी, ये अभी रॉकेट्स खुद ही बनाने भी लग गए और बाकी लोगों से खरीद के ये इस्तेमाल भी करने लग गए। इसके अलावा और कोई चीज़ ना उनके आवाम के सोच में बदला है या ना उनके रहन सहन में बदला है, ना उनके कोई गरीबी दूर हुआ है, जैसे गुर्बत दूर हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। 20 साल तक एक टाइम फ्रीज हो गया है। 20 साल क्या, पिछले 200 साल या 250 साल से इनका टाइम फ्रीज हो गया है। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर सिनबोलदक नाम के महत्वपूर्ण पोस्ट को तालिबान ने कब्जा कर लिया था
और उसके दो दिन बाद अफगानिस्तान के आर्मी ने उसी पोस्ट को फिर वापस जीत लिया था। लेकिन वहाँ से जो फोटोग्राफ निकली हैं, उनमें कुछ दिलचस्प बातें बाहर आई हैं। जैसे कि ये इस फोटोग्राफ में जो सोल्जर हैं, उन्होंने बाकी अफगान सोल्जर से अलग यूनिफॉर्म पहनी है और उनके ऊपर जो बैज लगा है वो है KKA का। KKA यानी काट खास, जो है नाम एक अफगान काउंटर टेररिज्म यूनिट का। कहा जाता है KKA में अमेरिकन सोल्जर्स भी होते हैं। कुछ महीनों पहले ब्लूम्सबर्ग जैसे कुछ मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट किया था कि अफगानिस्तान में जितने रिपोर्ट किए गए हैं उनसे कम 3000 अमेरिकन सोल्जर्स ज्यादा अफगानिस्तान में तैनात हैं। अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलना हमारे लिए ही नहीं, चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है। चाइना उगर मुस्लिम के खिलाफ जो कर रहे हैं, अभी तो पाकिस्तान भी चुप्पी साधा हुआ है और तालिबान भी चुप्पी साधा हुआ है, और ज्यादा दिन इनका जो ये पार्टी है ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। कभी ना कभी तालिबान, स्पेशली तालिबान जो है ये चाइना के खिलाफ और उगर मुस्लिम के तरफ इनका झुकाव होगा, और अंडर हैंड डीलिंग इनकी ऑलरेडी उगर मुस्लिम से चाल चल रही होगी जो चाइना को पसंद नहीं होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अमेरिका का जो भी कदम है वो चाइना के साथ वो लोग मिल करके सलाह मशवरा कर करके ही ले रहे होंगे, और चाइना क्या करेगा अमेरिका के निकलने के बाद इस पे ऑलरेडी इनका जो भी विचार विमर्श हो करके इन्होंने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया होगा और कह दिया होगा कि चाइना आप हमारे निकलने के बाद इस स्ट्रेटेजिक स्पेस में आपको घुसना नहीं है, अगर आप घुसेंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे या सैंक्शन लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर इनके साथ ऑलरेडी डिस्कशन होकर के इन्होंने वो पूरा जो एरिया है उसको पूरी तरह से इन्होंने प्लगिंग द होल कहते हैं या प्लगिंग द गैप ऑलरेडी हो चुका होगा। कुछ हफ्तों पहले रशिया टुडे ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिका अफगान से इसलिए बाहर निकली है ताकि वो अफगानिस्तान के बाहर के बेसिस को उपयोग करके तालिबान पे हमला कर सके, और ऐसा हुआ भी। अमेरिका ने अपने बॉम्बर जो कतर बेस में आए थे उनका इस्तेमाल करके तालिबान पे बॉम्बिंग की। अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसे गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जा सकता है, जहां कन्वेंशनल आर्मीज एक छुपे हुए दुश्मन से लड़ रही है। ऐसे गुरिल्ला वॉरफेयर को जीत पाना मुश्किल है, क्योंकि रिसर्च के हिसाब से हर 4 टेररिस्ट के मरने पर एक सोल्जर की मौत भी होती है, जिसकी वजह से गुरिल्ला वॉरफेयर कन्वेंशनल आर्मी के लिए जीतना मुश्किल हो जाता है। वियतनाम वॉर एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। एयर वॉरफेयर गुरिल्लास के खिलाफ एक अच्छी और कामयाब स्ट्रेटजी रही है, लेकिन अफगानिस्तान के पायलट्स को तालिबान ने एक एक करके मारना शुरू किया और इसकी वजह से एयर वॉरफेयर स्ट्रेटजी को भी धक्का लगा। रशिया टुडे जैसे मीडिया हाउसेस का कहना है कि अब अमेरिका अफगानिस्तान से बाहर रहकर तालिबान पर अटैक करेगा, और ये सब अब सच लगने लगा है। 2 दिन पहले ही तालिबान के एक कमांडर हाजी मंदक को अफगान एयरफोर्स स्ट्राइक में कंदाहार में मारा गया। ये बात एयर स्ट्राइक थ्योरी को प्रूव करती है। रशिया खुद अपने टैंक्स को तजिकिस्तान के बेस से 200 किलोमीटर बाहर ला चुकी है मिलिट्री ड्रिल्स के लिए। इसके अलावा ईरान ने तालिबान को उनके बॉर्डर से दूर रहने को कहा है। तुर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने भी तालिबान को पीछे हटने को कहा है, लेकिन तालिबान को इनका किसी का डर नहीं है। अफगान प्रेसिडेंट ने कहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हिसाब से तकरीबन 10,000 से ज्यादा तालिबान में भर्ती होने के लिए पाकिस्तानी उग्रवादी बॉर्डर के उस पार तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान को इतनी तादाद में उग्रवादी तैयार करने के लिए चाइना और कतर से ही पैसे मिलते हैं, इसीलिए चाइना के लिए ये जरूरी है कि उसके पैसे जहां लगे हों वह जगह सुरक्षित रहे। चाइना ने हाल ही में अपना एक और नया बेस बनाया है शाकचे में, जो है लद्दाख के पास ही। लेकिन चाइना इतनी जल्दीबाजी में यह एयरबेस क्यों बना रहा है?
चाइना एक एयरबेस डेवलप कर रहा है शाक्चे जारकुन काउंटी में, जो अगर मैप में देखेंगे आप तो होतान के बाई तरफ वेस्ट के तरफ आप जाएंगे तो शाक्चे काउंटी आता है, फिर उसके नॉर्थ में काश्मीर आ जाता है। तो इस एरिया में जो तरीम बेसिन या टकला मकान एरिया में पहले अगर लो ऑल्टीट्यूड में नीचे के स्तर पे अगर कोई एयरबेस था तो सिर्फ होतान था। गारगुंगजा या एनगारी गुंगजा जो है वो एक हाई ऑल्टीट्यूड एयरबेस है जहाँ 10,000 फीट से भी ऊपर है, और 10 बजे या 9 बजे के बाद, दिन के 9-10 बजे के बाद वहाँ से फाइटर का टेक ऑफ या लैंडिंग नामुमकिन है। तो होतान ही एक बेस अवेलेबल है उनके जो पास में है, जिससे वो एयर ऑपरेशंस लॉन्च कर सकते हैं। और हम ये कह ही रहे हैं कि बहुत दिनों से इनका एयरफोर्स इस एरिया में सबसे वीक है, नंबर में ज़रूर ज़्यादा होंगे लेकिन कहाँ से ऑपरेट करें ये इनके लिए बहुत बड़ा एक सरदर्द बना हुआ है, जिसकी वजह से ये शाक्चे में एक एयरबेस बना रहे हैं। लेकिन शाक्चे का एयरबेस एक और काम करेगा, आप अगर देखेंगे उस एरिया में होतान और शाक्चे और काशगर, ये तीन ही जगह है जहाँ पे आबादी है, हरियाली है, जहाँ खेती हो सकता है, और मेनलैंड चाइना से बहुत दूर है, बीजिंग से तो बहुत ही दूर है। तो शाक्चे में एयरबेस लाना एक इस एरिया में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह से भी हम देख सकते हैं इसको, और इससे हमें डरने की या फिर इसके बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके विपरीत हमारे यहाँ कम से कम 30 एयरबेस है। तो एक दो एयरबेस और भी बना ले उससे कोई फ़र्क हमको खास फर्क पड़ेगा नहीं, और पहले ही वेव में ये दोनों एयरबेस होतान और शाक्चे के पास जो एयरबेस है और काशगर, ये तीनों एयरबेस पे हम लोग काउंटर एयर ऑपरेशंस जिसको कहते हैं वो करके इनको हम अपने ऑपरेशंस में हम इनको रेस्ट्रिक्शंस पैदा कर सकते हैं। जैसा ग्रुप कैप्टन एमजे सर ने कहा कि ये एयरबेस इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी ट्रेड या व्यापार के लिए उपयोग किया जा सकता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि शाक्चे के पास ही अफगानिस्तान और चाइना के बीच एक डायरेक्ट एक्सेस है जिसे वाकजीर पास भी कहा जाता है। ये तकरीबन 40 माइल से थोड़ा ज्यादा लंबा बॉर्डर है जिससे चाइनीज एयरक्राफ्ट सीधे अफगानिस्तान में जा सकते हैं। ये वखान कॉरिडोर का हिस्सा है, चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। हाल ही में तालिबान ने कहा था कि उनको चाइना से कोई बैर नहीं और युगर मुस्लिम्स पे चाइना से उनको कोई विरोध नहीं। बात साफ है, तालिबान को चाइना की सारी शर्तें मंजूर हैं। चाइना का अफगानिस्तान में एक नया कॉरिडोर खुलने वाला है जो अमेरिका और रशिया को जरूर ही राज नहीं आने वाला। तो क्या ये सच है कि अमेरिका ने जानबूझकर अफगानिस्तान से हटने का नाटक किया ताकि अफगानिस्तान चीन में प्रवेश करे और यहीं पे उलझ के रह जाए? इस बात को समझने के लिए हमें पाकिस्तान की ओर देखना होगा, जहां ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से तकरीबन 50 से ज्यादा सोल्जर्स की मौत हुई है पिछले कुछ हफ्तों में इंटरनल इंसर्जेंसी की वजह से, और साथ ही हुआ है दासू डैम पे अटैक जहां चाइना के 9 इंजीनियरों की मौत हुई है। शायद इसी को बिगनिंग ऑफ द एंड कहते हैं। ये बात भी ध्यान देने लायक है कि अफगानिस्तान के आर्मी चीफ जो भारत में आएंगे 23 जुलाई को, उनके कुछ दिनों बाद ही अमेरिका के आर्मी चीफ भी भारत पहुंचेंगे अगस्त की 3 तारीख को। चाइना के लिए जो ट्रैप तैयार किया जा रहा है उसमें भारत का भी योगदान है। इससे पहले भी भारत, जापान, अमेरिका ने मिलकर चाइना के लिए एक ट्रैप तैयार किया था अंडमान निकोबार में, जहां सॉसस नेटवर्क यानी साउंड एंड सर्वेलेंस सिस्टम नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया था ताकि वहां से गुजरने वाली चाइनीज शिप और सबमरीन पे हमारी नजर रहे। ये काफी हद तक कामयाब भी रही। हमने इसके बारे में, रेजोनेंट न्यूज ने इसके बारे में पिछले साल रिपोर्ट किया था, जो अब इस साल साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट SCMP में कंफर्म किया गया। अफगानिस्तान पे यह सीरीज हमारी जारी रहेगी। धन्यवाद।